बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ना घी ना मावा, घर की ही चीज़ों से बनने वाले पेड़े की रेसिपी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मेरे वीडियो को भी पूरा देखिए, और रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक भी दीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। अच्छा जी, इसके लिए मैंने लिया था 1 गिलास के करीब दूध। नॉर्मल जो घर में गिलास रहता है ना पानी का, वो ग्लास के करीब दूध ले लिया था मैंने और इसको उबलने के लिए रख दिया था कि ये साइज़ में हाफ़ हो जाए, वहाँ तक मैं इसको उबालूँगी। और इसमें फिर उसके बाद मैंने डाल दी थी 1 कटोरी के करीब चीनी। 1 कटोरी मैंने चीनी डाल दी थी और वही कटोरी का नाप मैं आगे चीज़ों में भी लूँगी। और इसको उबलने के लिए मैंने मीडियम आँच पर रख दिया था। यहाँ पर 1 कढ़ाई में मैंने उसी कटोरी के नाप से बेसन ले लिया था और बेसन की मैं लगातार बुनाई करूँगी। हाफ कुक हो चुका था, उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून के करीब गेहूं का आटा इसमें ऐड किया था और वही कटोरी के नाम से मैंने सूजी भी ले ली थी 1 कटोरी। और ये तीनों चीज़ों की मैं अच्छे से बुनाई करूंगी, लगातार बुनाई करूंगी, 10 से 12 मिनट तक इसको भून लूंगी। उसके बाद मैं इसमें चॉप किए हुए पिस्ते और चॉप किए बादाम डालूँगी और 1 टीस्पून के करीब खसखस डालूँगी मैं। खसखस जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है ना, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। और खसखस से इसका टेक्सचर बहुत अच्छे से आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी, इनका कलर चेंज होने आया है। उसके बाद मैं इसको एक बाउल में ले लूँगी और वहाँ दूध भी मेरा हाफ कुक हो चुका था और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी उसमें, और दूध मैंने थोड़ा सा ठंडा किया था और गुनगुना दूध रह गया था। दूध को भी मैं वही बाउल में डाल दूँगी, बेसन में मिला दूँगी इसे। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप डालना चाहो तो डालिए, नहीं तो उसे स्किप भी कर सकते हो। और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये घर की चीज़ों से ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पेड़े बन जाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और गेहूँ के आटे का टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से आता है। अब मैं इस हाथों पे घी भी नहीं लगाऊंगी और ऐसे ही इसके पेड़े बना लूँगी। आप देख सकते हो इसका अलग से ही घी अच्छे से निकलने लगा है। पेड़े बनाने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी खसखस भी लगा दूँगी। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट भी ऊपर से लगा सकते हो। और पेड़े मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके थे, सारे मैंने पेड़े सेम तरीके से बना लिए थे। और आपको मेरे लो बजट की घर की ही चीज़ों के पेड़े की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक दीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं एक पेड़ आपको तोड़ के उसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह से अंदर कितना दानेदार बना है। और इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हो कितना दानेदार बना है। ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।